भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में जहां अलग अलग जाति के करोड़ों लोग रहते हैं, वहीं सरकार जमीन पर धार्मिक कार्यक्रम को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आगे आ गई है। सरकारी जमीन पर रामलीला, दुर्गा पूजा, दही हांडी और नमाज आदि जैसे धार्मिक कार्यक्रम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करने के लिए राजी हो गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। सरकारी जमीन पर धार्मिक आयोजन उचित? धार्मिक कार्यक्रम की इजाजत पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। रामलीला, दुर्गा पूजा और नमाज आदि ऐसे कार्यक्रम पर करेगा विचार। दो जजों की बेंच ने चीफ जस्टिस को रेफर किया केस। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में जहां अलग अलग जाति के करोड़ों लोग रहते हैं, वहीं सरकारी जमीन पर धार्मिक कार्यक्रम को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आगे आ गई है। सरकारी जमीन पर रामलीला, दुर्गा पूजा, दही हांडी और नमाज आदि जैसे धार्मिक कार्यक्रम होने चाहिए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करने के लिए राजी हो गया है कि क्या भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में सरकारी जमीनों पर धार्मिक गतिविधियों की इजाजत दी जा सकती है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने संवैधानिक बेंच को रेफर कर दिया है। इसका क्या असर हो सकता है, ये तो सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच के सामने दिल्ली के ज्योति जागरण मंडल की ओर से यह मामला उठाया गया था। जागरण मंडल ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि नगर निगम को यह निर्देश दिया जाए कि वो सरकारी पार्क में माता की चौकी का कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दे। हालांकि याचिका के बढ़े दायरे और व्यापक असर को देखते हुए जस्टिस नरीमन की बेंच ने केस को चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया है, ताकि इस मामले की सुनवाई के लिए संवैधानिक बेंच का गठन किया जा सके। ज्योति जागरण मंडल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में चंचल पार्क में माता की चौकी कराने की इजाजत देने से इनकार करने वाले एनजीटी के आदेश को चुनौती दी है। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा था कि अगर दक्षिण दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पार्क में माता की चौकी कराने की इजाजत नहीं दी है तो उसका फैसला फाइनल है। इस पर एनजीटी ने 10 अक्टूबर 2017 को आदेश दिया था कि वहां रामलीला और पूजा की इजाजत है। ये इलाका दक्षिण दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार में है, इस कारण एसडीएमसी से इजाजत मांगी गई, लेकिन वहां से माता की चौकी के कार्यक्रम को मना कर दिया गया। एनजीटी के सामने फिर मामले को उठाया गया, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया कि माता की चौकी पूजा का ही एक हिस्सा है। अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच इस मामले को देखेगी। संवैधानिक बेंच को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और जनता के मूल अधिकारों में संतुलन बिठाना होगा, क्योंकि ये लोगों के धर्म से जुड़ा मामला है। आर्टिकल 25 के तहत देश के लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार प्रथाओं का पालन करने की स्वतंत्रता है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। अगर निगेटिव फैसला लिया गया तो कई कार्यकर्ता, पुजारी सड़कों पर उतर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।